हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक, वेलकम टू चैनल। आज मैं आपको एक टूर आइटनरी बताऊंगा दिल्ली टू मनाली ट्रिप की। मैक्सिमम लोग जो है 5 डेज का प्लान करते हैं। कि दिल्ली से मनाली जाना है और 5 डेज का उनका प्लान है ट्रिप का। और काफी लोग हमसे पूछते हैं भैया कैसे से प्लान करें, तो मैं 5 डेज बता रहा हूँ। 5 डेज कैसे मानते हैं, कैलेंडर डेज। जैसे अगर 1 तारीख को आप शुरू करते हो, सुबह स्टार्ट किया, तो 1, 2, 3, 4, 5 मीन्स 5 तारीख तक आपको रात तक दिल्ली वापस पहुंचना है। तो होते हैं 5 डेज। इसमें हम कवर करेंगे मनाली, मनाली का लोकल साइट सीन, कसौल, मणिकरण और दिल्ली। बड़ा सिंपल आइटनरी है, मीन्स कोई फालतू की बातें नहीं कि हम सुबह मतलब क्या करना है, मतलब सिंपल आइटनरी आपको इजी समझ में आ जाएगा। काफी लोग यही आइटनरी फॉलो करते हैं, इसी को टूर करते हैं और आपको इजिली टूर हो जाता है। हम लोग टैक्सी सर्विसेज देते हैं। मेरा नाम विवेक है, फ्रॉम डी ट्रांसपोर्टर्स दिल्ली चंडीगढ़ अम्बाला से आप टैक्सी सर्विस हमसे ले सकते हो। आज की जो आइटनरी बता रहा हूँ दिल्ली से बताऊंगा, होटल्स हम लोग डील नहीं करते, सिर्फ टैक्सी सर्विस विद ड्राइवर। देखो, सपोज आपने गाड़ी बुक किया और आपको कुछ नॉलेज नहीं कि भैया मनाली कैसे जाएं, कब घूमना है, क्या घूमना है, तो 5 मिनट में ये आइटनरी आप समझ लो, बिल्कुल सिंपल है, आपको समझ में आ जाएगी। डे 1 आप दिल्ली से स्टार्ट करते हो, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, होटल, कहीं से भी सुबह 5, 6, 7, 8, 9 बजे तक आप आराम से निकल सकते हो। देखो, दिल्ली से मनाली लगते हैं 13 से 14 घंटे पहुंचने में। गूगल में आपको शायद 10-11 घंटे दिखाता है, बट एक्चुअल ऑन रोड 13-14 घंटे लगते हैं, क्योंकि बीच में स्टॉपेज भी होते हैं। ब्रेकफास्ट का होता है, लंच का, डिनर का, या चाय पीने, मतलब 2-2.5 घंटे का स्टॉपेज होता है। कहीं उतर के फोटो खींचना है, वॉशरूम जाना है, पानी लेना है, तो ओवरऑल 13-14 घंटे आपको लग जाते हैं मनाली पहुंचने में। सुबह अगर आप लोग 7 बजे स्टार्ट करते हो तो रात को 9, 9:30 तक आप मनाली पहुंचते हो। इसमें क्या होता है कि बीच में जैसे मूर्थल पड़ता है, आप लोग वहां ब्रेकफास्ट कर सकते हो। मूर्थल दिल्ली से 100 किलोमीटर के एरिया, 80-90 किलोमीटर के एरिया में आ जाता है, 70-80 किलोमीटर के एरिया में आसपास। देन हम लोग जब मनाली पहुंचे तो बीच में सुंदरनगर लेक अगर आपको देखनी है तो आप गाड़ी से उतर के वो देख सकते हो। मंडी का पंडो डैम आता है, ये 2 ऐसी जगह है जहाँ पे 10-15 मिनट का स्टॉपेज लेके फोटो खींच लो और तसल्ली हो जाती है। अब मनाली पहुंचते हैं तो पीछे कुल्लू पड़ता है, कुल्लू में राफ्टिंग पैराग्लाइडिंग होती है, बट आप लोग एक्चुअल में लेट हो जाते हो तो कुल्लू में राफ्टिंग पैराग्लाइडिंग आप नहीं कर सकते। तो वहाँ शॉप्स आती हैं तो उन शॉप्स के फोटो खींच के नंबर रख लो, उनसे बार्गेनिंग कर लो, बात कर लो, और 2-3 दिन बाद आप रिटर्न में पैराग्लाइडिंग राफ्टिंग इजिली सस्ते में कर सकते हो। देन मनाली पहुंचते पहुंचते शाम हो जाती है। अब देखो, आज जैसे मान लो अगर आप सुबह दिल्ली से 4 बजे निकले हो तो आप लोग शाम को 6, 6:30, 7 बजे से पहले पहले मनाली पहुंच जाओगे। उसमें तो ये कि चलो पहले दिन माल रोड कर लिया, बट क्योंकि बंदा थक जाता है, नहीं कर पाता, नहीं होता है, हम लोग भी थक जाते हैं, नहीं हो पाता, तो आप लोग क्या कर सकते हो, नेक्स्ट डे आप लोग मनाली का लोकल साइट सीइंग प्लान करो, दैट मीन डे 2। डे 2 में लोकल हम कैसे शुरुआत करते हैं, अगर आपका होटल जैसे मनाली माल रोड के आसपास है तो माल रोड तो शाम को घूमना चाहिए, दिन में कोई मजा नहीं आता, तो पहले आप हडीमा टेम्पल चले जाओ, उसके बाद क्लब हाउस देख लो, उसके बाद वशिष्ठ टेम्पल देख लो, और शाम को आप वो माल रोड देख लो मनाली का। डे 2 आपके ऐसे आराम से निकल जाएगा, मजा आ जाएगा। ये जो साइट सीइंग बता रहा हूँ, हडीमा टेम्पल गाड़ी चली जाती है, वशिष्ठ टेम्पल गाड़ी चली जाती है, क्लब हाउस भी चली जाती है, माल रोड भी चली जाती है, सब जगह गाड़ियां चली जाती है, इजिली पार्किंग वहां पे मिल जाती है। सीजन में थोड़ा ट्रैफिक हो सकता है, बट नॉर्मल टाइम में आप इजिली जा सकते हो। देन जब ये और एक बीच में कोई तिब्बतन मोनेस्ट्री आएगी तो वो भी देख लो। उसके बाद डे 2 आपका खत्म हो गया, अब आएगा डे 3। डे 3 लोग क्या प्लान करते हैं, अगर आप लोग एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हो, जो हम लोग चार्ज करते हैं, जिसमें रोहतांग, अटल टनल, शिशु या फिर कोकसर ऐड होता है, डिपेंड करता है वो भी सीजन टू सीजन, बट मान लो आप लोग अभी जुलाई, अगस्त, सितंबर वाले, अक्टूबर, नवंबर वाले प्लान में जा रहे हो तो उसमें रोहतांग, अटल टनल, शिशु सब कर सकते हो। तो डे 2 कैसे प्लान करना, डे 2 मनाली से हम ऊपर जाएंगे टुवर्ड्स लेह लद्दाख वाला रोड, तो मनाली से 10 किलोमीटर बाद आ जाएगा सोलांग। सोलांग में आप उतरो, फोटो खींचो, वहां पे केबल कार जाती है जो पहाड़ों तक है, ऊपर भी पैराग्लाइडिंग होती है, वो आप वहां पे कर सकते हो। उसके बाद अगर आप एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हो तो आप लोग वहां से अटल टनल, सोलांग से 10 किलोमीटर ऊपर अटल टनल आएगी, टनल खुद में 9 किलोमीटर लंबी है, उसको क्रॉस करने का शिशु पहुंचोगे। प्लस अगर रोहतांग देखना तो रोहतांग भी आपको उसी दिन करना होता है, तो वो पहले से बताना पड़ता है, रोहतांग के लिए परमिट लेना पड़ता है, ऐसे नहीं जा सकते। तो डे 3 आपका ऐसे निकल जाएगा, सोलांग, अटल टनल, शिशु, रोहतांग में। अगर रोहतांग बंद है कि वहां गाड़ियां नहीं जा सकती, जैसे अभी दिसंबर से बंद हो जाएगा, तो दिसंबर से लेकर मई तक बंद रहता है रोहतांग बस, तो उस केस में गाड़ियां जाती हैं सोलांग, सोलांग से ऊपर अटल टनल, टनल से आगे शिशु, शिशु के पास ही कोकसर, ये सब देख के आते हैं। तो डे 3 में होता है। अब लोग पूछते हैं बर्फ कहाँ मिलेगी, देखो अगर आप लोग दिसंबर में प्लान करते हो, दिसंबर न्यू ईयर, क्रिसमस न्यू ईयर का टाइम पे, तो आपको सोलांग से ही बर्फ मिलना शुरू हो जानी चाहिए, अच्छा मौसम होता है। कभी कभी होता है कि मनाली में स्नोफॉल हो जाएगा, बर्फ ही बर्फ मिलेगी, नहीं तो 100% बर्फ की गारंटी लेनी है। मान लो मौसम नॉर्मल, 100% गारंटी, तो वो अटल टनल क्रॉस करने के बाद आती है। अटल टनल क्रॉस करने के बाद एक ब्रिज आएगा, ब्रिज से राइट लोगे तो कोकसर वाला रोड है, वहीं पे शुरू हो जाती है बर्फ ही बर्फ होगी आपको, और लेफ्ट लोगे तो शिशु तक चले जाओगे। शिशु में बर्फ थोड़ी कम मिलती है, सबसे ज्यादा बर्फ आपको कोकसर, क्योंकि कोकसर जो रोहतांग पास के उसी रोड पे आता है, तो बर्फ के लिए कोकसर अगर आप लोग दिसंबर से प्लान कर रहे हो। और अगर आप हाईएस्ट सीजन में आते हो जैसे जून, तो जून में जो बर्फ मिलती है वो रोहतांग पास के पास मिलेगी, और कोकसर में भी स्टार्टिंग में आपको बर्फ मिल जाती है 100% गारंटी, और उसके बाद जून जुलाई तक लास्ट बर्फ मिलेगी रोहतांग पास, उसके बाद बर्फ नहीं मिलती आपको। देन ये सब हमारा हो जाता है और ये डे 3 निकल गया। अब देखो, किसी ने अंजनी महादेव जाना है
तो सोलांग से पैदल ट्रक जाता अंजनी महादेव का, वो भी उस दिन करना पड़ेगा आपको। और अगर आपको जोगनी वाटरफॉल जाना है तो वशिष्ठ टेम्पल की पार्किंग के पास ही जोगनी वाटरफॉल का ट्रैक है, मतलब वो 400-500 मीटर का ट्रैक होता है। अंजनी महादेव तो थोड़ा सोलांग से दूर है, आई थिंक 1 किलोमीटर के आसपास है। देन डे 3 हो गया आपका, शाम को मनाली वापस हो जाओ होटल में, माल रोड जाना है पास में ही है, अगर होटल पास में लिया तो गाड़ी से पैदल होकर माल रोड होकर आ सकते हो, नहीं तो आप ड्राइवर को बोल दो माल रोड आपको दिखा देता है। माल रोड में आपको देखने का फायदा है, बड़ी चकाचौंध होती है माल रोड पे। देन डे 4 बचा, डे 4 अगर आपको लगता है कसौल मणिकरण देखना है तो डे 4 मनाली से चेकआउट करो, वहां से नीचे आ जाओ कुल्लू में वैष्णो देवी मंदिर देखो, प्लस राफ्टिंग पैराग्लाइडिंग करो। जो आपने डे 1 में अगर नंबर लिए हैं या नहीं लिए तो आप आज भी जैसे डे 4 में आ रहे हो तो राफ्टिंग पैराग्लाइडिंग वाले रोड के साइड में बैठे हैं और शॉप्स खोल लिए, उनके नंबर है, डायरेक्ट बार्गेनिंग करो, कॉल करो, पैराग्लाइडिंग राफ्टिंग आप उनसे डायरेक्ट कर सकते हो। डायरेक्ट मीन्स ये पैराग्लाइडिंग 1500 से स्टार्ट है और राफ्टिंग भी 400-500 रुपए से स्टार्ट हो जाती है अच्छी राफ्टिंग। देन ये सब करने के बाद आप चले जाओ कसौल, कसौल में नाइट स्टे कर लो, कसौल के साथ ही 4 किलोमीटर का गुरुद्वारा है मणिकरण, आप वो भी देख सकते हो, मतलब नाइट स्टे कर लिया तो डे 4 आपका निकल गया। डे 5 अब आप वहां से कसौल से चेकआउट करो सुबह 8-9 बजे के आसपास और धीरे धीरे चल पड़ो दिल्ली के लिए। तो दिल्ली पहुंचते पहुंचते वही अगर 8 बजे चलोगे तो दिल्ली पहुंचते रात के 10 आराम से बच जाते हैं, क्योंकि बीच में वही रुकते हैं, ब्रेकफास्ट लंच डिनर सब करते हैं। तो ओवरऑल ये 5 डेज का प्लान है, 5 डेज का मैंने प्लान आपको बता दिया। अगर आपको लगता है कि टैक्सी सर्विस आपको चाहिए तो आप हमें कॉल कर सकते हो। तो 5 डेज का प्लान विद कसौल मणिकरण दिल्ली टू दिल्ली, चंडीगढ़ अंबाला से भी हम लोग गाड़ियां देते हैं, उसका प्लान थोड़ा छोटा हो जाता है क्योंकि वहां 5 दिन की जरूरत नहीं है, बट आप कर सकते हो, बट 4 दिन भी सफिशिएंट रहते हैं, सेम प्लान रहता है, उसमें दिन कम हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम विवेक था, आप प्लीज लाइक कर लो, ब्लॉग को शेयर कर लो और और नंबर दिए स्क्रीन पे, अगर आपको लगता है कि टैक्सी सर्विस बुक करनी है तो आप हमें कॉल कर सकते हो। मेरा नाम विवेक है, हम लोग बुकिंग का प्रोसेस बता देता हूँ। गाड़ी बुकिंग करने के लिए आपको हमें व्हाट्सअप करना होता है हमारे नंबर पे अपना प्लान या डेट्स, उसके बाद हम लोग रिटर्न में आपको सारा प्लान जो बताया वे कार ऑफ रिटर्न में भेज देते हैं विद गाड़ी का कॉस्ट क्या क्या इंक्लूड है, क्या क्या कैसे जो भी है। उसके बाद फाइनल बुकिंग करनी होती है, फाइनल बुकिंग करने के लिए आपको अपने आईडी प्रूफ व्हाट्सअप करना है, देन दिल्ली का पिकअप एड्रेस, एयरलाइन टिकट, प्लेन टिकट, होटल, जहां से एड्रेस है वहीं गाड़ी आपके पास आएगी। और उसके बाद सब जब सब कुछ हो गया तो फाइनल वही एडवांस पेमेंट करना होता है। आप लोग मिनिमम अगर छोटी गाड़ी है तो 2500 देके एडवांस देके गाड़ी बुक कर सकते हो, बड़ी गाड़ी बुक की है अर्टिगा जैसी तो उसका जो एडवांस है वो थोड़ा ज्यादा होता है, मतलब वही 3000 के आसपास अगर 5 डेज का प्लान है। तो बैलेंस पेमेंट ड्यूरिंग द ट्रिप हम आपको शेड्यूल देंगे, वो 2 या 3 इंस्टॉलमेंट में बैलेंस पेमेंट आपको पे करना होता है, गूगल पे, पेटीएम, फोन पे के थ्रू आप लोग ये सब कर सकते हो। और बस यही सब है फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि आपको गाड़ी चाहिए, बुकिंग करना है, आइटनरी समझ में आ गया, बहुत सिंपल आइटनरी था, पूरे यूट्यूब ब्लॉग में ऐसा आइटनरी आपको मिलेगा भी नहीं, ये डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट आइटनरी है जो चलता है, एक्चुअली जो रोड में चलता है, वो ट्रैवल एजेंसी वाला नहीं, वो बड़ा बड़ा लंबा लंबा पुलिंदा बना के दे दिया और उसमें सारी चीजें दिखती भी नहीं है। तो हमारा सिंपल आइटनरी है, सिंपल बेसिक प्लान है। अगर आपको फिर भी लगता है कि टैक्सी सर्विस बुक करनी है तो आप हमें कॉल कर सकते हो। ब्लॉग थोड़ा सा शायद लंबा हो गया है क्योंकि बीच में 5 दिन के बाद ना और भी एक्स्ट्रा डिटेल्स को इनपुट देने में उसमें टाइम लग जाता है, बट आप हमें मीन्स कॉन्टैक्ट कर सकते हो, नंबर स्क्रीन पे दिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दी ट्रांसपोर्टर्स।